एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, क्योंकि नौजवान बच्चे जितने हैं इन्होंने अपने होश में हमें और इनके घर वाला ही देखा है, लेकिन ये जितने पुराने हैं इन्हें पता है कि इनका घर और मेरा घर कैसे एक था, किस तरीके से सियासत में कदम रखा, किस तरीके से दोनों परिवार आगे बढ़े। और आज मरहूम भाई हमारे बीच में नहीं है, जिनकी निशानी है, और इस चुनाव में हमारी पार्टी का समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। लेकिन मैंने इससे पहले भी, अब से करीब 2 साल पहले, मैंने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि ये हमारे जिम्मे नहीं है कि हम आपस में लड़ते रहें और दूसरों को जीतने का रास्ता दिखाते रहें। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो हम सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमने पहले ही कह दिया। आज अल्लाह ने वो वक्त भी दिया है कि पार्टी का अलायंस भी हो गया, और अभी 3-4 दिन पहले विधायक जी मेरे पास आए थे नहीं यहाँ, मैंने उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं में कहा पाए मैं आपके साथ, ये अपना मिजाज नहीं है औरों की तरह अपने शिकवे शिकायत गिरे शिकवे रखे आगे के पीछे की तय करें, कुछ नहीं। ये लड़ाई है, जिस तरफ भाई मजाही राणा ने ध्यान दिया कि जिक्र आपको करके बताया कि अभी आपके ऊपर बिलखसूस यहाँ जितने लोग खड़े हैं आप पर एक डंडा CNRC का लिए वो खड़े हैं, और सीधा कह रहे हैं आपकी बात 400 पार और संविधान को बदल करके हमें और आपको दोयम दर्जे का नागरिक, हमारे राइट ऑफ वोट खत्म, हमारे पास संपत्ति लिमिटेड होगी, हमारे रहने का अंदाज गुलामों वाला बनाया। अब सोचना यह है कि हम इसे बचे कैसे। हम भी हैं उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हमारे भाई कर्नाटक में रहते हैं, कर्नाटक के लोगों ने पता नहीं चलने दिया और बीजेपी की सरकार को लटका दिया, किसी से ये नहीं कहा कि हम वोट देंगे, हाँ जी देने का देना, हाँ जी देने के नाम देना, लेकिन कोई बात नहीं है। पोलिंग का वक्त आया, अल्लाह का नाम लेकर घर से निकले और इस तरह वोट डाला कि बीजेपी की सरकार उलट कर। हमारे यहाँ सोशल मीडिया का बड़ा खेल है, हमारे नौजवान बच्चे फोन पर बैठते हैं और खूब दबा के इंशाल्लाह रब का नाम लेके वोट डालेंगे, इकरासन को वोट डालेंगे, साइकिल को वोट डालेंगे, नौमान मसूद को वोट डालेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब आपकी सोशल मीडिया पर बाइट सुनेगा तो आपके सामने वाला भी तो इकट्ठा हो जाएगा, उसका रिएक्शन हो जाएगा। ये गिनती का खेल है, यहाँ करीब करीब 38-40% के आसपास है मुस्लिम, इस लोकसभा सीट पर 38-40% मुस्लिम है और 60-62% हमारे दूसरे भाई हैं। अगर हम 40% एक जगह बैठेंगे तो 60 क्यों नहीं बैठ लेंगे एक जगह, हम हों एक जगह लेकिन शो ना करें। और ये जैसे संदीप जैसे साथी हमारे खड़े हैं राजनीति में, सेक्युलर राजनीति में, इनकी इच्छा है कि हम भी राजनीति में आगे बढ़े, आपके वोट के जरिए बढ़े, तो फिर ये भी अपना भी देंगे, फिर हमारा वोट इनके साथ मिलेगा तो आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव को ये मान के चलिए कि अगर ये हाथ से फिसल गया तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए गुलामी की चाबी दी जाएगी, हमारा आप तो झेलोगे लेकिन जो बच्चे छोटे छोटे हैं इन पे क्या गुजरेगी आप इसको तसव्वुर करिए। रही कस्बा गंगो की बात तो अरे लालू थोड़ी देर रुको, अरे गंगो के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर कुछ इज्जत कुछ मोहब्बत मुझसे मेरे मरहूम वालिद से मेरे खानदान से करते हो, दिल के कोने में कहीं को भी इज्जत हो तो इस वोट में कटौती न कर बैठियो, और अगर ये करना तो घर के तवे पे काला सुटा लो और मेरे ऊपर काला सही पहुंचो, ये मोहल्ला ठाकान है शहर का दिल है, ये मोहल्ला ठाकान है शहर का दिल है, ये जितनी तेजी धड़कता है उतनी तेजी से शहर चलता है, ये मैंने आज नहीं कहा मैं अपने हर जलसे में कहता हूँ, और शहर के बीच में ये मोहल्ला है, चारों तरफ आप जिस तरह घिरे हो सब पता है, लेकिन यहाँ आपका मजबूत कदम है, तो हमारी आपकी इज्जत
हमारा आपका वकार, इन मेरे बड़े बेटे इनकी इज्जत और हमारी बात का वजन इसी बात से होगा कि जब तबस्सुम बाजी को उपचुनाव में मदद की थी तब 14,500 से ऊपर चले गए थे हम, आज अपनी बेटी को मदद कर रहे हैं 16-17,000 पर इस शहर में। मुनाफिक भी शहर में है जो अपने कारोबार के लिए चोला बदल गए, तुम्हारी मोहब्बत में कोई नहीं बदला, अपने कारोबार के लिए पीला कट पटका पहन लिया और बैठ गए, वो भी शहर में है। बातें करेंगे आगे दुनिया भर की। एक इंटरव्यू में राणा जी में सुन रहा कि नौमान मसूद जब चुनाव लड़ता है बीजेपी चुनाव जीत जाती है, जब जब चुनाव लड़ा, चलो भाई ये जीत जाती है मेरे बेटा, और खुद क्या कर रहे हैं, खुद पटका लाले बैठे। कौन बीजेपी का सपोर्टर है, कौन बीजेपी से मिला हुआ है, आज तुम कस्बे के लोगों के सामने तस्वीर साफ है, साफ है। आज तुम्हारा वोट है, गंगो के लोगों को तो यकीन दिला सकता हूँ कि जब तक नौमान मसूद जिंदा है CNRC ज्यादा डंडा तुम्हारे पर चलने देगा। लेकिन जहाँ जहाँ नहीं, जैसे देवबंद है हमारा मरकज है, वहां के लोग अपने हाथ से दे बैठे, देखना क्या होगा। कार्यदायी संस्था नगर पालिका तो होगी, तो जहाँ तुम्हारा हुक्मरान बैठा हो तो कर देगा सही काम, और जहाँ नहीं है वहां परेशानी होनी है। और ये देश की संस्था के लिए अपना प्रतिनिधि भेजना है, ये हमारी बच्ची जीत करके जाए, और जब देश की संसद में इस मुद्दे पर बहस हो तो अनपढ़ बच्चे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, अपनी बात को रखें और अपने काम की लड़ाई लड़े। और दूसरी बात, गंगों के लोगों एक मुबारकबाद आपको और दूं कि इसी इंडिया गठबंधन से अभी थोड़ी देर पहले सहारनपुर से इमरान मसूद का टिकट डिक्लेयर हो गया, आप पर जिम्मेदारी डबल, मेरे पे भी डबल, अब डबल इंजन की सरकार तो हमें बननी पड़ेगी ना, बच्ची की भी चुनाव को देखना, उसको भी देखना, तो मैं ये देखना तो मेरे साथ मेरे सारे भाइयों को, आप सबको देखना, अपनी वोटर लिस्टों को देखिए, वोटर लिस्टें कहाँ रखी थी, मैं एक साइड गंगो का बना के दो वोटर लिस्टों में से, हिदायत भाई आप करते हो उस काम को, पूरे शहर की वोटर लिस्टों को देख के हर पन्ने में से कितने वोट पा रहे हैं, वो ईद पे वापस आएंगे, और जो बच्चे भी ईद पे वापस आए उन्हें चुनाव तक जाने मत देना, अपना वोट डाल के जाएंगे। और यहाँ चुनाव चिन्ह हमारा साइकिल है, अभी कह रहे थे कि कम मेहनत जहाँ राणा जी मेरी तकदीर तो है, मैं हर बार नए चुनाव चिन्ह चल रहा हूँ, मैं भी कोई सारे चुनाव चिन्ह मेरे घर में रखे हैं, कभी हल्दर था, कभी बैलू की जोड़ी थी, कभी खजूर का पेटा था, कभी कुछ था, आपके जंगले के सामने वो लगा हुआ है, आपके जंगले के सामने साइकिल लगी हुई है, इसी में लगी थी, नहीं हल्दर भी लगी हुई है, हल्दर भी लगा हुआ है, 70 का पिसाब का स्टेंसिल खींचा हुआ है 1970 में जब पिसाब चुनाव हुआ, तो चुनाव चिन्ह की नहीं, चुनाव चिन्ह तो कोई भी होता, बात तो अपने वकार की और अपने इज्जत की है, तो मैं मुतमईन होके जाऊं, तुम तीन चार मोहल्ले के लोग खड़े, देखो जितनी बार मुझे कहोगे भागता दौड़ता आपके बीच में मैं फिर आऊंगा, एक बार को, एक बार, दो बार को, दो बार, अपने अपनी गली की, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि अपने गली मोहल्ले के अंदर आप निकले, और बिलखुसूस यहाँ मोहल्ला कुरेशान के लोग खड़े, सबसे ज्यादा सौदा तुम्हारा हो रहा, और वहीं से बता दो, वहीं से बता दो, बराबर को गुलाम मौलिया के लोग भी, यहाँ नहीं दो चार है कोई, हाँ बेटे तुम भी मेरी जान से जो कुछ हुआ हुआ, देखो यहाँ सारे इकट्ठे होके जब गड्डी को पार करवा दो, समाजवादी पार्टी का वोट और मेरा वोट, मैं आपको क्लियर बताऊं, है बेटे समाजवादी पार्टी का जो परंपरा का वोट है वो वोट, और आपका वोट अगर यहाँ आप एक जगह कर दो तो ये वोट 16,000 बैठा है, 11,000 आपको मिला हुआ है, और 5,000 समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चक्की के निशान बढ़ा दिया था, तुमने साइकिल के था साइकिल पर डाल देता, 5,000 वोट जो सलीम को मिला था वो 500 था, मैं कुछ और कह रहा हूँ, और अगर आप इसे
यहाँ शहर के अंदर 27,000 वोट आपके हैं और 14-15,000 वोट हमारे दूसरे भाइयों के हैं, जिनमें हमारी भागीदारी 1,000-2,000 वोट की रहती है। अभी 27,000 में से आप 20,000 वोट पोल करो, 22,000 वोट पोल करो और 500-400 के खिलाफ जाओ, इससे अच्छी क्या बात है? यहाँ की जीत चिलकाने तक नहीं पकड़वाती। ये सारा गुजरात का पीजा की जितना बड़ा सारे को पीजा के डाल के एक कस्बे की इंशाल्लाह 20 पर लग रहा है। इसलिए बेदार होकर के चुनाव लड़ो, इज्जत के लिए चुनाव लड़ो, वकार के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए चुनाव लड़ो। जीत जाओगे तो गाजी कहलाओगे और अगर हार गए तो बाद में हाथ बनते अगला गलती होगी और फिर बच्चों के लिए जो कुछ होना है। ये 10 साल गुजर गए, इससे पहले भी हिंदुस्तान था लेकिन इस 10 साल के अंदर जो हालात बने हुए हैं, अभी दिल्ली का वहां का जिक्र करा, बदायूं में एक नाई के बच्चे ने, दो एबनॉर्मल था, दो बच्चों का कत्ल कर दिया। एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और अपनी बेटी को इसे हम चुनाव लड़ाए और चुनाव जिताए, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा इस सरकार में इस परिवार ने क्या कुछ नहीं झेला। बहुत लंबी बात चली जाएगी लेकिन क्या नहीं झेला, इनका इतना जुर्म थोड़ा ही है। मुझसे पूछा तो मैंने उसे कहा इसके सर पे बाप नहीं है तो क्या हम उसके उनके साथी जो जानते थे आज उन्हें बच्चों को खेला मैदान में छोड़ दें? सबसे पहले मैदान में कूद के आ गए थे और आज भी इन बच्चों के लिए, इन दोनों भाई बहनों के लिए अगर इन पर कोई आ जाएगी तो हम यहाँ गंगोगी के लोग, सहारनपुर की सरजमीन के लोग इनके लिए साया बन के इनका मदद करने का। इसलिए साथियों आप सबसे यही कहने के लिए आ रहा हूँ कि 19 तारीख को बहुत जोश जज्बे के साथ वोट डालने का काम करें, डलवाने का करें और जिस तरह भाई जी ने जिक्र करा शहर सड़क पर गुजरा बना, सड़क पर कोई दिखावा ना हो, बहुत आराम से जाके भाई ईवीएम में घुस जाओ जिस तरह घुस सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।